दिल्ली से सरकार के खिलाफ विपक्ष की मोर्चाबंदी। दिल्ली से बड़ी खबर, किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी, विपक्ष की मोर्चाबंदी, सरकार के खिलाफ विपक्ष तैयार, जंतर मंतर पर किसानों से मिलेंगे विपक्षी नेता। 14 विपक्षी दलों के नेता किसानों से मिलेंगे। मार्च में राहुल गांधी भी होंगे शामिल। जंतर मंतर पर चल रही है किसानों की संसद। दिल्ली से बड़ी खबर, सरकार के खिलाफ विपक्ष की मोर्चाबंदी। राजा पटेल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सरकार को घेरने की क्या तैयारी है विपक्ष की, राजा बताएं। देखिए अनामिका, मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ देर में विपक्ष के जो नेता हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचेंगे। जिस तरीके से काफी लंबे समय से किसान अपनी संसद को चला रहे हैं, लगातार कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, उसी कड़ी में आज विपक्ष के जो 14 दल हैं विपक्षी नेता वो कहीं ना कहीं जंतर मंतर पर किसानों को समर्थन देने पहुंचेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो जानकारी है सूत्रों के अनुसार कि राहुल गांधी भी जंतर मंतर पहुंच सकते हैं, ये जानकारी हम सूत्रों के अनुसार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। पर जिस तरीके से लगातार विपक्ष की बात करें, लगातार सरकार को घेरने की कोशिश करें, चाहे राज्यसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, लगातार किसानों के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सवाल निशान सरकार पर उठाता रहा है, उसी कड़ी में आज जो विपक्षी दल के जो नेता हैं वो किसानों से मुलाकात करने, किसानों को समर्थन देने जंतर मंतर पहुंचेंगे। जी, सरकार विपक्ष के इन हथियारों से, जो किसान आंदोलन का हथियार इस्तेमाल कर रहा है विपक्ष, किस तरह से बचाव में दिख रही है, क्या रणनीतियां आप दोनों पक्षों की तरफ से देख रहे हैं, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष, और किसान को इसका कितना फायदा मिलता हुआ दिख रहा है राजा? नमिका, जिस तरीके से हम बात करें, अभी कुछ दिन पहले जो राज्यसभा सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा वो साफ तौर पर समर्थन देने पहुंचे थे। इससे पहले अकाली दल के जो सांसद हैं विधायक हैं वो साफ तौर पर किसानों को समर्थन देने पहुंचे थे। तो साफ तौर पर बहुत मजबूती यहां पर किसानों को मिलती हुई नजर आ रही है। लगातार विपक्ष की बात करें, कांग्रेस की बात करें, अलग अलग दलों की बात करें, साफ तौर पर किसानों के हक में कहीं ना कहीं वो आवाज उठाते रहे हैं। साफ तौर पर जिस तरीके से राहुल गांधी कुछ दिन पहले ट्रैक्टर पर सवार होकर किसानों के समर्थन में कहीं ना कहीं संसद भवन पहुंचे थे, तो उसी कड़ी में लगातार सरकार की हम बात कर रहे हैं नमिका, तो सरकार भी काफी ज्यादा यहाँ पर गंभीर होती हुई नजर आती हुई। मैं आपको बता दूं कि जंतर मंतर के आसपास तो पूरी तरीके से सिक्योरिटी लगाई गई है। साफ तौर पर बात करें, एक्स्ट्रा फोर्सेस भी वहां पर तैनात की गई है, क्योंकि अलग अलग जो दल हैं विपक्षी पार्टियों के, उनके तमाम जो नेता कहीं ना कहीं जंतर मंतर पहुंचेंगे। और साफ तौर पर जो जानकारी है कि राहुल गांधी भी जंतर मंतर आज पहुंच सकते हैं किसानों को अपना समर्थन देने, तो साफ तौर पर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा भी चाक चौबंद है, और सरकार ने भी पूरी तरीके से अपनी तैयारी कर रखी है। जी, बहुत शुक्रिया राजा पटेल इस तमाम जानकारी के लिए।